आज के वचन की ओर हम चलते हैं। हम पढ़ेंगे शबोपदेशक 10:8। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। हम जानते हैं कि सर्प की तुलना जो है बाइबल में किससे की गई है। सर्प की तुलना जो है बाइबल में शैतान से की गई है, जो घात करता है। और हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है बाड़ा कहाँ टूटा था, और जो है जो बाड़ा तोड़े यानी कि जो एक दायरा होता है, एक दायरे को अगर कोई भी अगर तोड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, शैतान जो है आता है। कहीं पर भी देखो, बाइबल पूरी बाइबल के अंदर देखो, जहाँ जहाँ बाड़ा टूटा है वहाँ पर हमेशा शैतान आया है। और हम देखेंगे सबसे पहले बाड़ा कहाँ टूटा था। अगर हम पृथ्वी के बनने से पहले, लोगों के बनने से पहले अगर हम देखें बाइबल में, तो स्वर्ग में हमें जो है पहला बाड़ा हमें टूटते हुए दिखता है, जब परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत परमेश्वर का जो है स्तुति, आराधना, प्रशंसा करता है, उसकी महिमा करता है, पूरे स्वर्ग में चैन होता है, शांति होती है, सुकून होता है। लेकिन एक स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ, बहुत ही अभिषेक और बहुत ही जलाली रूप से बनाया था, वो स्वर्गदूत बिगड़ जाता है। और वो अपने मन में क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। और वो ये सोचकर वो बाड़ा तोड़ देता है। सबसे पहले जो है ये बाड़ा था जो स्वर्ग के अंदर टूटा था, और तभी से जो है पाप की शुरुआत हो गई थी। पाप को पाप पता चल गया था कि पाप क्या होता है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही जो है पाप होता है, अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाना ही पाप होता है। तो उसने क्या सोचा कि मैं परमेश्वर से बड़ा होऊंगा और परमेश्वर से बड़ा सिंहासन जो है मैं बनाऊंगा। और वहाँ जो है बाड़ा टूट जाता है, और जैसे ही बाड़ा टूटता है उसे पाप का पुत्र कह देते हैं। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो है परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, उसी तरह वो पाप का पुत्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाप की शुरुआत जो है वहाँ से हो जाती है। और हम अगर देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम और हवा को परमेश्वर बनाता है, और बनाने के बाद में वो अच्छे से रह रहे होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहे होते हैं, परमेश्वर उनसे मिलने आता है, परमेश्वर की वो आराधना करते हैं और एकदम ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद परमेश्वर जो है वहाँ पर आदम और हवा को जो है बनाने के बाद में और सब कुछ अच्छा चलने के बाद में परमेश्वर जो है एक आज्ञा को देते हैं। क्या बोलते हैं कि तू सब वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन इस वृक्ष के फल को मत खाना। और हम जब देखते हैं कि जैसे ही आदम और हवा उस आज्ञा को टालते हैं, उसकी आज्ञा को भंग करते हैं, और वह जैसे ही बाड़ा तोड़ते हैं और वैसे ही वो फल खाते हैं जिसको परमेश्वर ने मना किया था, वैसे ही बाड़ा टूटता है, तब क्या होता है, पाप आता है। और उसी प्रकार से जगत में पाप आया। जगत के पाप होने के बाद में परमेश्वर से रिश्ता टूटा, परमेश्वर से नाता टूटा, परमेश्वर से लोग दूर हो गए। यानी यीशु मसीह के आने तक लोग उस पाप में जी रहे थे, है ना, व्यवस्था बोझ बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आया और उस जो खाई को जो बीच में थी उस खाई को भर कर डायरेक्ट जो है परमेश्वर से हमें उसने, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा जो है हमें
मिला दिया। तो हम देखते हैं जहां जहां बाइबल के अंदर बाड़ा टूटता है वहां वहां क्या होता है, शैतान जो है आता है, कलेश आता है, विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आता है, तकलीफ आती हैं, गरीबी, टेंशन, डिप्रेशन, हाँ अशांति आती है। जहाँ जहाँ बाड़ा टूटता है वो क्या होता है, शैतान इन सब चीज़ों को लेकर आता है, क्योंकि शैतान ने उस पाप का पुत्र है, शुरुआत उसने की थी स्वर्ग के अंदर, जब उसने कहा कि मैं जो है स्वर्ग से ऊपर चढ़ जाऊंगा और स्वर्ग से भी बड़ा सिंहासन जो है बनाऊंगा अपने लिए। तो ऐसा करके जो है पाप कर देता है और वो पाप का पुत्र बन जाता है और उसके अंदर जो है पाप की क्वालिटी है, क्योंकि उसके द्वारा ही पाप जो है शुरू हुआ था। और जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर के दाऊद को जब हम देखते हैं, तो दाऊद जो है अपने जो है छत के ऊपर जो है टहल रहा होता है, और छत के ऊपर जब टहल रहा होता है तो क्या देखता है कि एक स्त्री को वो नंगा देख लेता है, और उसके बाद क्या करता है वो कि उस स्त्री को साथ में वो व्यभिचार करता है, उसके पति को मरवा देता है। फिर परमेश्वर उसके जीवन में एकदम राजा होता है, उस समय वो बहुत ही ज़्यादा राज्य करने वाला पराक्रमी होता है वो। और जैसे ही वो बाड़ा तोड़ता है क्या होता है, शैतान उसके जीवन में आता है और क्या होता है कि वो दर दर उसकी राजगद्दी छीन दी जाती है, वो जंगलों में दर दर भटकता रहता है, लोग उसके मारने के लिए, उसको जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। बाड़ा टूटते यानी कि परमेश्वर ने बाड़ा बनाया था, परमेश्वर ने राज्य दिया था, बाड़ा बना के दिया था कि तू ऐसा कोई घिनौना काम ना करना जिससे तेरे ऊपर यह विपत्ति जो है आ पड़ेगी। लेकिन क्या किया उसने, व्यभिचार किया, और व्यभिचार के कारण जो है उसके पति को भी जो है दाऊद ने मरवा दिया। बाड़ा जैसे ही टूटा जो है क्या हुआ, शैतान ने जो है उसको पूरी रीति से उसके राज्य को छीन लिया और उसे जो है जंगलों में भागना पड़ा, अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा, लोग उसको मारने के लिए उसके जो है पीछे लग गए। तो हम देखते हैं जहाँ जहाँ बाइबल में बाड़ा टूटता है वहाँ वहाँ क्या होता है, शैतान आता है, डसने के लिए आता है, है ना। और अगर हम बाइबल में देखें जो है सुलेमान को, तो सुलेमान के बारे में भी जो है वहाँ पर लिखा है कि वो जो है परमेश्वर ने मना किया था कि कुछ ऐसी स्त्रियों से शादी ब्याह मत करना जो कि दुष्ट आत्माओं को बलिदान चढ़ाती हैं, दुष्ट आत्माओं की पूजा करती हैं, लेकिन सुलेमान नहीं माना और आखिर में परमेश्वर का बाड़ा तोड़कर, यानी जो परमेश्वर ने बाड़ा बनाया था कि तू जो है ऐसी स्त्रियों से ब्याह ना करना जो दुष्ट आत्माओं की पूजा करती हैं, उसकी सेवा करती हैं, और जैसे ही सुलेमान ने जो है वो बाड़ा तोड़ा क्या हुआ कि उसने जो है मैरिज किया ऐसी स्त्रियों से जो दुष्ट आत्माओं को बलिदान चढ़ाती थी, उसको मानती थी, और फिर क्या हुआ वो भी एक दुष्ट आत्मा का आराधक बन गया। परमेश्वर ने मना किया था, बाड़ा बनाया था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जैसे ही बाड़ा टूटा क्या हुआ, सांप ने उसे डसा। सांप यानी लूसीफर, लूसीफर यानी शैतान, शैतान यानी अजगर, अजगर यानी सांप, भेड़िया, लिव्यातान, बाइबल में बहुत सारे जो है उसके नाम है, फाड़ने वाला शेर, बलियाल, ऐसे ऐसे नाम जो है बाइबल उसके लिए शब्द जो है इस्तेमाल करती है, क्योंकि जो है वो पाप का पुत्र है, पाप की शुरुआत जो है उसी से हुई थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना सब उपदेशक 10:8 कि और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। दोस्तों आज हमें भी अपने जीवन में जो है चेक करने की ज़रूरत है, क्या हम कोई बाड़ा तो नहीं तोड़ रहे हैं, है ना। आज हम अपने जीवन में देखते कि अरे मेरी पत्नी क्यों नहीं सुधर रही है,
कई लोग ऐसे सोचते हैं, अरे मेरी पत्नी क्यों नहीं सुधर रही है, क्या कारण है। बाड़ा टूटा हुआ है दोस्तों। हम सोचते हैं, अरे मेरा पति क्यों नहीं सुधर रहा है, क्यों मेरी बात नहीं मानता, क्यों दारू पीता है। मना करती हूँ मेरे पति को कि दारू ना पिए करें। बहनों, बाड़ा टूटा हुआ है। माता पिता कहते हैं अपने बच्चों को, अरे हम अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, इतना अच्छा खाना पीना खिलाते हैं, इतना सब कुछ अच्छे से रखते हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं है। बाड़ा टूटा हुआ है दोस्तों, माता पिता, बाड़ा टूटा हुआ है। जब हम उस बाड़े को ठीक करेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। पता है पुराने नियम में परमेश्वर ने क्या कहा था इसराइलियों को, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो आशीष तुम पर बनी रहेंगी, ठहरी रहेंगी और तुम आशीषों के सोता होगे, लेकिन जब तुम मेरी आज्ञा को छोड़ दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली श्राप आएंगे, गरीबी आएगी, बंधन आएंगी, सारी बीमारियां तुम्हारे ऊपर आएंगी और कलेश जो है तुम्हारे ऊपर आएगा। तो आज हमें जानने की जरूरत है कि हम कोई बाड़ा तो नहीं तोड़ रहे हैं। अगर हम बाड़ा तोड़ रहे हैं तो हमारे घर में जो है शांति रहेगी, दुख रहेगा, संकट रहेगा, कलेश रहेगा, बीमारी रहेगी, क्योंकि पाप का पुत्र जो है शैतान ये सब चीज़ों को लेकर आता है ना। जैसे हमने पिछली बार भी हमने जो है देखा था कि चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, फिर नष्ट करने आता है। तो वो उसका काम है ना, वो चोरी करेगा आपकी ब्लेसिंग्स, गुड हेल्थ, आपकी चंगाई को, आपकी जो है बिजनेस को चोरी करेगा, है ना। अगर नहीं माने आप, फिर आपको घात करेगा, बड़ा बीमारी या बड़ा एक्सीडेंट दे के जाएगा, नाश कर देगा। क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का पुत्र होता है, और परमेश्वर जिसके जीवन में नहीं होता है वो हमेशा पाप करता है ना। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में देखना है कि कहीं हम बाड़ा तो नहीं तोड़ रहे हैं। अगर हम बाड़ा तोड़ रहे हैं तो मेरे लिए सर्प डसेगा, सांप डसेगा, और सांप जो है बहुत ही चालाक होता है, वो हमेशा एड़ी को डसता है। तो हमें अपने जीवन में चेक करना है कि हम जो है कहीं बाड़ा तो नहीं तोड़ रहे हैं। जो है अगर हमारे जीवन में कहीं बाड़ा टूट रहा है तो हमें उसे रिकवर करना है, ताकि प्रभु की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में ठहरी रहे। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार बहुत सारी आशीष दें।